नमस्कार बच्चों, मेरा नाम ईश्वरी है। मैं ZPSS पाक बालवंचा में हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आपको 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ प्यारा गांव पढ़ाने के लिए आई हूँ। आप ध्यान से सुनिए, मुख्य विषयों को अपने नोट्स में लिख लीजिए। आप टेक्स्ट बुक निकाल के ध्यान से सुनो। बच्चों, मैं इस पाठ शुरू करने से पहले आपको पाठ के बारे में कुछ मुख्य विषय बताऊंगी। पाठ का नाम है प्यारा गांव। प्यारा गांव संभाषण पाठ है। बच्चों, गांव के नाम सुनते ही तुम लोगों को क्या याद आती है? हाँ, गांव में रहने वाले लोग, उनकी जीवन शैली और वेशभूषा, उनके काम और गांव की हरियाली, खेत, किसान, बैलगाड़ी, ये सब याद आती है ना? भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की 80% जनता गांवों में ही रहती है। गांव के लोगों का जीवन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन से बिल्कुल अलग होता है। गांवों में ही हमारा भारतीय संस्कृति का दर्शन होता है। बच्चों, यहाँ पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है प्यारा गांव, है ना? हाँ, यहाँ देखो, यहाँ एक चित्र दी गई ना। हाँ, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, यहाँ पर्वत, पेड़, घर, खेत, पक्षियाँ, गाय, बैलगाड़ी, बस, हल, साइकिल, बैल, आदमी, किसान आदि दिखाई दे रहे हैं ना। देखो बच्चों, पर्वत मीन्स क्या है? कोंडलु। पेड़ अंटे चेट्टु, चेट्लु। घर अंटे इल्लुलु, कनबड़तुन्नाया। खेत पोलमु। पक्षिया, पक्षुलु चूडंडि इक्कड। गाय, आवु। बैलगाड़ी कनबड़तुंदि कदा, ఎడ్ల బండి. బస్సు వెళ్తూ ఉంది ఇక్కడ చూడండి, బస్సు. హల్ అంటే నాగలి. సైకిల్ తెలుసు కదా మీకు, సైకిల్. బైల్ అంటే ఎద్దు. ఆద్మి చూడండి, మనుషులు కనబడుతున్నారు కదా, ఆద్మి. కిసాన్ చూడండి, రైతు పొలంలో ఉన్నాడు, అవునా? వీళ్ళందరూ కూడా మనకు కనబడుతూ ఉన్నారు. दूसरा प्रश्न क्या है? देखो, कौन क्या कर रहे हैं? पहला, एक किसान खेत जोत रहा है। रैतु, खेत माने पोलमु, जोत रहा है अंटे दुन्नतु उन्नाडु। एक आदमी साइकिल चला रहा है। ओक मनिषि साइकिल नडुपुतु उन्नाडु। एक आदमी हल लेकर जा रहा है। हल मीन्स क्या है इधर? हल अंटे नागली। ఒక మనిషి నాగలి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు। और एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। बैलगाड़ी अंटे ఎడ్ల బండి। ఇంకొక అతను ఎడ్ల బండి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు। పక్షులు ఎగురుతూ ఉన్నాయి। ఉడ రహే హై అంటే ఎగరడం। गाय घास चर रही है। आवु मेत मेस्तू उंदी। घास अंटे गड्डी तिंटू, गड्डी। चर रही है अंटे तिंटू उंदी। आवुलु गड्डी तिंटू उन्नाई, इक्कड कनबड़तुन्नाई कदा मनकु। तो तीसरा प्रश्न क्या है? देखो, इस चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस चित्र में मुझे दूर के पर्वत और आसमान में छा गए बादल और आसमान में उड़ने वाली पक्षी आदि दृश्य सबसे अच्छे लगे, क्योंकि यह प्राकृतिक दृश्य है। ई चित्रंलो नाकु दूर के पर्वत अंटे दूरंगा उन्न पर्वतालु और आसमान मरियो आकाशमो, आकाशंलो उन्न मेघालु बादल
बादल अंटे मेघालु और आसमान में उड़ने वाले पक्षी आकाशन लो ఎగిరేటువంటి పక్షులు ఇవన్నీ చూడడానికి అన్నిటికంటే మంచి దృశ్యంలాగా నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మీకేమనిపించాయి నాకు చెప్పండి. बच्चों, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है प्यारा गांव। प्यारा गांव का अर्थ क्या है? प्यारा का अर्थ है प्रिय, इष्टमैना। गांव का अर्थ विलेज, पलटूरु। प्यारा गांव का पूरा अर्थ क्या है? प्रियमैना ऊरु। यह संवाद जैसा पाठ है। संवाद मीन्स क्या है? संभाषण। संभाषण कन्वर्जेशन बोलते हैं। हम अब पाठ में चलेंगे। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। यह रानी है, यह रमेश है। दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने घर ले जाने के लिए आए। रानी और रमेश के दादाजी उन्हें गांव ले जाने के लिए आए हैं। कब आए? गर्मी की छुट्टियों में, समर हॉलिडेज में आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। ये तीनों मिलकर, दादाजी, रानी, रमेश, तीनों मिलकर सवेरे, कब? अर्ली मॉर्निंग। रेल से निकले तीनों। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। गाड़ी, रेलगाड़ी में ज्यादा लोग रहे। वो भीड़ को हम गुंपो बोलते हैं। फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। जैसे तैसे मीन्स क्या है? अलग अलग बैठने की जगह मिला उन लोगों को। शाम तक गांव पहुंच गए। वो घर गांव पहुंचे कब? शाम तक। शाम मीन्स इवनिंग। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। चाचा जी किसके था? चाचा जी रानी और रमेश के चाचा जी बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आए, क्योंकि उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। बैलगाड़ी इसका अर्थ क्या है? एडला बंडी। खेतों के किनारे किनारे अंटे पोलाल पक्क नुंडी वेल्तू उंदी। खेतों में किसान काम कर रहे थे। खेतों में किसान क्या करते हैं कि हल जोतते हैं, काम करते हैं। देखो पशु चर रहे थे। वहां पशु है ना, बैल, गाय, ये घास चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। गांव का हरियाली बहुत अच्छा लगा। हरियाली का अर्थ है ग्रीनरी, पच्चदनम, देखने लायक है। बातों बातों में घर आ गया। माटलाड कुंटोड़ा उंडगाने इल्लु चेसिंदी। दादी जी से मिले। दोनों जाकर रानी और रमेश दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया उन बच्चों को। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया? सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। सवेरे इसका अर्थ है अर्ली मॉर्निंग। दोनों दोनों यहाँ कौन है? कौन कौन है? रानी और रमेश है। वे दोनों दूध पी के, दूध मीन्स पाल, मिल्क, पी करंट तागे। दादाजी के साथ, किसके साथ? अपने दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। ऊर तिरगड़ांग की वेल्लारो। रास्ते में बातें करते हैं। रास्ते में, मार्ग में वे बातें करते, संभाषण, संवाद जैसा बातचीत करते हुए चल रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। दादाजी बच्चों से बोले, रानी और रमेश से, कमलेश काका आ रहे हैं उनको प्रणाम करने के। बच्चों ने दोनों नमस्कार किया। वो कमलेश काका वे बच्चों को देखकर खुश हो गए।
रानी अब दादाजी से पूछ रही है, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी ने बोला, वे लोहार हैं। लोहार का अर्थ क्या है? ब्लैक स्मिथ, कम्मरी। बच्चों, अब हम लोहार के बारे में जानेंगे। बच्चों, लोहार क्या काम करते हैं? तुम लोगों को पता है? मैं बताती अब। यहाँ लोहार का चित्र है ना, देखो। लोहार क्या करते हैं? इधर देखो, औजार बनाते हैं ना, लोहे से औजार बनाते हैं, जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं, है ना बच्चों? देखो इधर इधर औजारों के चित्र दिया है मैं। फावड़ा, स्पेड बोलते हैं इंग्लिश में, तेलुगु में पारा बोलते हैं। अगला चित्र क्या है? हथौड़ा। हथौड़ा सबको मालूम है। देखो, हैमर बोलते हैं सुत्ती तेलुगु में। और अगला चित्र है पहिया। पहिया देखो, बैलगाड़ी का पहिया देखे ना तुम लोग, चक्रमु बोलते हैं हम तेलुगु में, इंग्लिश में व्हील बोलते हैं। और अगला चित्र देखो, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी सबके घर में रहते। देखो, एक्स गोडली बोलते हैं तेलुगु में हम। आखिरी चित्र है खुरपी। खुरपी को तवु कोला बोलते हैं हम तेलुगु में, इंग्लिश में स्मॉल स्क्रैपिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना बच्चों। देख लिया ना, लोहार के बारे में जान लिया ना तुम लोग। देखो बच्चों, दादाजी कहते हैं कि वह देखो, दामोदर दादा का मकान। किसका मकान दिखाते हैं? दामोदर दादा का। मकान का अर्थ क्या है बच्चों? घर। तब रमेश ने कहा, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? तो दादाजी ने बोला, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तब रानी ने कहा, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? दादाजी ने रानी को प्रशंसा देते हुए कहा है, शाबाश मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है, ऐसा कह रहा है दादाजी ने। बच्चों, दामोदर दादा के बारे में, कुम्हार के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मालूम है ना तुम लोगों को? कुम्हार बोलते हैं। यहाँ देखो, कुम्हार का चित्र दिया गया। क्या करता है कुम्हार? मिट्टी से बर्तन बना रहा है ना? हाँ देखो, मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं कुम्हार। इसको घड़ा बोलते हैं इंग्लिश में, पाट तेलुगु में कुंडा बोलते हैं। और अगला है मटका। मटका मीन्स स्मॉल पाट इंग्लिश में, तेलुगु में चिन्ना कुंडा। और हांडी, हांडी को मट्टी पात्रा बोलते हैं, स्मॉल मड वेजल इंग्लिश में। इसमें हम पकाते हैं, वंडुतामु दींट्लो। और खिलौने, मट्टी के खिलौने, ये विनायका और बैलगाड़ी का खिलौना। देखो बच्चों, कैसा है? अच्छा है ना तुम लोगों को? कैसे लगा? तुम लोगों को ये सब मालूम है ना? हाँ, देखो बच्चों, बच्चों, दादाजी कहते हैं कि वह देखो, चंद्रैया चाचा का घर। वे कपड़े बुनते हैं। तब रानी ने कहा, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाली को क्या कहते हैं? तो दादाजी ने कहते हैं, कपड़ा बुनने वाली को जुलाहा कहते हैं।
बच्चों इधर देखो, एक चित्र है ना, चित्र में एक दुल्हा है, दुल्हा का नाम चंद्रैया है। ये हम दुल्हे के बारे में अगले स्लाइड में जानेंगे, ठीक है ना बच्चों? बच्चों कपड़ा बुनने वाली को क्या कहते हैं? कपड़ा बुनने वाली को जुलाहा कहते हैं। जुलाहा का अर्थ क्या है तुम्हें पता है? जुलाहा का अर्थ है वीवर, बट्टलु नेयुवाडु। देखो बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया मैं जुलाहा का। देखो क्या करता है, कपड़ा बुन रहा है ना? हाँ, कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं और हाथ से भी। यहाँ जुलाहा हाथ से बन रहा है ना? हाँ, हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं, इसको हथकरघा बोलते हैं हम। हथकरघा का मीनिंग है तेलुगु में चेती मग्गम। चेती मग्गम तो बट्टल नेस्तारु। जान लिया ना बच्चों जुलाहा के बारे में? बच्चों दादाजी कहते हैं कि चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है, वे बड़ई का काम करते हैं। चंद्रैया चाचा कौन है बच्चों? चंद्रैया चाचा जुलाहा है, उसके घर के पास ही बाबैया का घर है। रमेश ने बोला, दादाजी बड़ई क्या काम करते हैं? बड़ई कौन है इधर? देखो बच्चों, बाबैया। बाबैया बड़ई का काम करता है। इसके बारे में हम बड़ई के बारे में अगले स्लाइड में देखेंगे, जानकारी करेंगे। छात्र बड़ई क्या काम करते हैं? बड़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं, है ना? बड़ई का अर्थ क्या है? कारपेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में, और तेलुगु में वड्रंगी बोलते हैं, है ना बच्चों? इधर देखो, यहाँ बड़ई का चित्र है, लकड़ी से काम करता है, सामान बनाते हैं, है ना? क्या क्या है सामान? देखो, हल, हल को हम इंग्लिश में प्लाउ बोलते हैं और तेलुगु में नागली। हल से क्या करते हैं हम? खेत जोतते हैं। किसान क्या करते हैं? हल से खेत में काम करते हैं। और खिड़की, खिड़की को हम विंडो बोलते हैं, किटकी है तेलुगु में। और दरवाजा, देखो दरवाजा को हम डोर बोलते हैं इंग्लिश में, और तेलुगु में तलपू बोलते हैं, है ना बच्चों? हाँ, देखो इधर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को हम तेलुगु में एडला बंडी बोलते हैं ना? हाँ, इंग्लिश में बुलक्काट बोलते हैं, है ना बच्चों? देख लिया ना, और बड़ई के बारे में जान लिया है ना तुम लोग? हाँ, देखो बच्चों, रानी ने कहा, दादाजी वहां देखिए, वे कौन हैं? वे क्या काम कर रहे हैं? दादाजी ने बोला, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। बच्चों सोने चांदी का अर्थ क्या है? यहाँ सोना मीन्स बंगारम, चांदी मीन्स यहाँ वेंडी। इससे काम करने वाले को सुनार कहते हैं। इधर देखो बच्चों, एक चित्र है ना, सुनार के चित्र। हाँ, हम इस सुनार के बारे में अगले स्लाइड में जानकारी लेंगे, ठीक है ना बच्चों? इधर देखो, सुनार क्या काम करते हैं? वे सोने चांदी का काम करते हैं। बच्चे सुनार का अर्थ क्या है? सुनार का अर्थ है गोल्ड स्मिथ बोलते हैं हम इंग्लिश में, तेलुगु में कमसाली बोलते हैं। वे सोने चांदी का आभूषण बनाते हैं। इधर देखो बच्चों, सुनार का चित्र दिया गया मैं, देख लिया ना? हाँ, वे क्या क्या आभूषण बनाते हैं इधर देखेंगे हम। देखो, अंगूठी, अंगूठी का अर्थ है रिंग, इंग्लिश में बोलते हैं हम उंगरम तेलुगु में। और हाथ,
हार देखो, हार मीन्स हारमू तेलुगु में, नेकलेस इंग्लिश में बोलते हैं। और आखिरी चित्र देखो, ओ कैसे है, चूड़िया, अच्छा है ना। हाँ चूड़ी मीन्स क्या है, बैंगल बोलते हैं हम इंग्लिश में, तेलुगु में गाजलू बोलते हैं, है ना बच्चों। देख लिया ना, सुनार के बारे में जान लिया ना तुम लोग। हाँ बच्चों इधर देखो, रमेश ने कहा था है कि दादाजी उस गली में देखे लंबे लंबे बांस है, बांस से क्या क्या बनाते हैं। बच्चों इधर बांस का अर्थ क्या है, बांस का अर्थ है बैम्बू स्टिक, वेदुरु बोलते हैं हम तेलुगु में। तब दादाजी ने बोला, देखो बेटा बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसौर कहते हैं। बंसौर इधर देखो, एक चित्र दिया गया ना, इस चित्र में बंसौर है। बंसौर क्या करता है देखो बच्चों, टोकरी बना रहा है ना। हाँ हम बंसौर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके लिए जानेंगे। बच्चों बांस से क्या क्या बनाते हैं, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसुर कहते हैं। बंसुर का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बास्केट मेकर इंग्लिश में बोलते हैं, और तेलुगु में मेदरवाड़ू बोलते हैं। यहाँ देखो बच्चों, बंसुर का चित्र दिया गया, मैं क्या करता है देखो, तरह तरह के विविध वस्तुएं बना रहे हैं, है ना। हाँ देखो टोकरी बना रहा है ना। हाँ इधर देखो टोकरी दिया गया, टोकरी को हम इंग्लिश में बास्केट बोलते हैं, तेलुगु में गंपा बोलते हैं। और दूसरा चित्र देखो, झूला, झूला को हम स्विंग बोलते हैं इंग्लिश में, तेलुगु में उयाला बोलते हैं। हम झूले में झूलते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना। हाँ देखो लास्ट आखिरी चित्र क्या है, खिलौने, ये बांस से खिलौने भी बनाते हैं, है ना बच्चों। देख लिया ना कैसे है, अच्छा है ना, बंसुर के बारे में जान लिया ना तुम। बच्चों रानी ने कहती है कि दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। तब दादाजी ने बोला, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। दादाजी ने रानी और रमेश को अपने गांव के बारे में, किसान के बारे में समझाया। तब रमेश और रानी ने कहा, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। इधर देखो बच्चों, किसान का चित्र है ना, देखो हम किसान के बारे में अगले स्लाइड में जानेंगे। बच्चों किसान क्या काम करते हैं पता है ना तुमको। हाँ खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, है ना बच्चों। इधर किसान का चित्र दिया मैं, देखो क्या करते हैं, काम करते हैं ना, निरंतर दिन रात मेहनत करके हमको अन्न उगाते हैं, इसलिए हम किसान को अन्नदाता बोलते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। भूख मिटाना का अर्थ है आकल तीर्चड़म। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। महात्मा गांधी गारु चेप्पारु, भारतदेशाన్ని చూడాలంటే గ్రామాలల్లోనే చూడాలి, గ్రామాలల్లోనే భారతదేశం ఉంటుంది అని గాంధీ గారు చెప్పారు। समझ लिया बच्चों किसान के बारे में।
रमेश ने कहा, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। तब दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। दादाजी ने कह रहा है विविध प्रकार के उद्योग करने वालों के बारे में, वे गांव में एक दूसरे की मदद करते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहकर देश के विकास में वे भाग लेते हैं। बच्चों ठीक है ना, समझ में आया ना? गांव में और कुछ भी घरेलू उद्योग रहते हैं, वो नाई, धोबी, ग्वाला, वैद्य, पुजारी, चमार, ये सब लोग रहते हैं। ये अपने अपने जीवन बिता के परिवार को पोषण करते हैं। घरेलू उद्योग का अर्थ है कुटीर परिश्रम। घर में करने वाले परिश्रम को घरेलू उद्योग कहते हैं हम। बच्चों यहाँ कुछ नए शब्द आ गए हैं ना, उनके बारे में हम सीखेंगे। नाई का अर्थ है मंगली, वो बाल कट करता है। और धोबी, धोबी का अर्थ है रजका, चाकली, क्या करता है, वो कपड़े धोता है ना बच्चों। और पुजारी, पुजारी क्या काम करता, मंदिर में पूजा करते हैं, है ना। और वैद्य, वैद्य क्या काम करता है, हाँ देखो बच्चों, हमको बुखार आए तो कहाँ जाते, हम वैद्य के पास जाकर इलाज करवाते हैं ना। और चमार है, चमार किसको बोलते हैं, हमारे जूते चप्पल बनाने वाले को चमार कहते हैं। बच्चों पाठ कैसे लगा, अच्छा लगा ना? हाँ, इन घरेलू उद्योगों से देश की बेरोजगारी दूर हो जाती है, इन लोगों से देश की उन्नति होगी। गांव की उन्नति ही देश की उन्नति है। बेरोजगारी दूर हो जाती है, इसका मीनिंग है निरुद्योगमु दूरम अवुतुंदी, देशम डेवलप चेंदुतुंदी अनेदी दीन अर्थम। समझ में आ गया ना बच्चों? हाँ, धन्यवाद। बच्चों इधर देखो, पाठ में आ गए नए शब्द, नए शब्दों के अर्थ भी दी गई मैं। इधर देखो, पहला लाइन में शब्द, दूसरा लाइन में हिंदी टू हिंदी मीनिंग पर्याय शब्द, और इंग्लिश मीनिंग भी दिया गया, बाद में तेलुगु अर्थ भी दिया गया। तुम लोग ध्यान से पढ़कर ये सब नोट्स में लिखकर ध्यान से सीखना चाहिए। और मैं पढ़ रही हूँ, देखो पहला है प्यारा, प्यारा का अर्थ है हिंदी टू हिंदी मीनिंग प्रिय, लवली, प्रियमैना। और दूसरा देखो गांव, गांव को हिंदी टू हिंदी ग्राम बोलते हैं, विलेज, ग्राममु। गर्मी, गर्मी का अर्थ है धूप, समर, वेसवी, एंडा। भीड़, भीड़ माने क्या है, जनसमूह, क्राउड, गुंपू बोलते हैं। जगह, स्थान, प्लेस, चोटू। शाम, शाम का अर्थ क्या है बच्चों, हिंदी टू हिंदी सायंकाल, इवनिंग, सायंत्रम। किनारा, किनारा का अर्थ है हिंदी टू हिंदी तट। बैंक, वड्डू। किसान, देखो बच्चों इधर किसान आ गए ना, किसान को कृषक भी बोलते हैं हम हिंदी में, फार्मर्स, रैतुलू, पशु, जानवर, एनिमल्स, जंतुलू। इधर देखो बच्चों, घर, घर आ गए ना, दादा, दादाजी का घर, दादी जी का घर, इसका अर्थ है मकान, हाउस, इल्लू। हरियाली, गांव में हरियाली अच्छा है ना, हाँ हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों का समूह है, ग्रीनरी, पच्चदनम। ठीक है ना बच्चों? बच्चों इधर
और कुछ नए शब्द दी गई मैं। देखो पहला है पुजारी, हिंदी टू हिंदी मीनिंग पुरोहित, प्रीस्ट, पुजारी। दूसरा है घूमना, भ्रमण करना, टू ट्रैवल, तिरगुटा। इधर देखो लोहार आ गया, लोहे का काम करने वाला कौन है? लोहार है ना, हाँ, ब्लैक स्मिथ, कमरी। सुनार आ गया, सुनार क्या काम करता? सोने से आभूषण बनाते, बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ, कमसाली बोलते हैं हम तेलुगु में। इधर देखो बच्चों बड़ाई आ गया, लकड़ी से विविध वस्तु बनाने वाला, कारपेंटर, वड्रंगी। बंसुर भी आ गया, बांस से विविध वस्तु बनाने वाला, बास्केट मेकर, मेदरीवाड़ू। देखो बच्चों जुलाहा, कपड़ा बुनने वाली, वीवर, तेलुगु में बट्टलु नेई वाड़ू। इधर देखो बच्चों धोबी आ गया, कपड़े धोने वाला धोबी है। धोबी को हम इंग्लिश में धोबी बोलते हैं और तेलुगु में चाकलीवाड़ू बोलते हैं, रजका भी बोलते हैं। बच्चों इधर एक वचन को बहुवचन में बदलना है, कुछ शब्द दी गई है, एक बार देख लो। दादा, दादा बहुवचन में भी दादा होता है, नहीं बदलता। गाँव, गाँव, गाँव भी नहीं बदलता। घर, घर, इल्लू, इल्लू, वो भी हिंदी में घर घर बोलते हैं। और चीज, चीज को बहुवचन क्या है? चीजें, चीज मीन्स वस्तु, चीजें वस्तु बोलो। तेलुगु में भी हम वस्तु बोलते हैं ना, वस्तु, वस्तुएं, वस्तु, वस्तु बोलो। ऐसा हम लिंग वचन बदलना है। और लिंग देखो बच्चों, लिंग में लिंग बदलना है। यहाँ लुहार, लुहार का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? लुहारिन। धोबी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? धोबिन। काका, काका का स्त्रीलिंग क्या है? काकी। चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चाची। सुनार, सुनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सुनारिन। दादा, दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दादी। पोता, पोती, पोता मीन्स मनवड़ू, पोती मनवराल। मामा, मामी। और बच्चों यहाँ उल्टे शब्द कुछ दी गई, देख लो। सुबह, शाम। सुबह का अर्थ है अर्ली मॉर्निंग, शाम का अर्थ है इवनिंग। और दूसरा देखो प्यार, प्यार का उल्टे शब्द है द्वेष। और अगला शब्द त्याग, त्याग का अर्थ है स्वार्थ। त्याग का उल्टे शब्द अर्थ नहीं, स्वार्थ। ज्यादा, ज्यादा का उल्टे शब्द है कम। ठीक है ना बच्चों, समझ के अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।